इंडियन यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये है कि यहाँ पे लोग लॉजिक से काम कम लेते हैं लेकिन दूसरों की कॉपी करके ही ज़्यादा काम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज 2 रुपीज बेस्ट प्री वर्कआउट, 2 रुपीज में फैट बर्न करो कॉफ़ी पी के. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉफ़ी इज अ गुड प्री वर्कआउट, राइट? नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन ये बोलना कि वो बेस्ट है, आपको प्री वर्कआउट नहीं चाहिए, प्री वर्कआउट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, यू डू नॉट नीड प्री वर्कआउट, इज कम्प्लीट BS, यानी कि बुलशिट. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दमन सिंह, आई एम फिटनेस ऑथर एंड फिटनेस ट्रेनर. बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में कि प्री वर्कआउट क्या, कॉफी इज द बेस्ट प्री वर्कआउट. सबसे पहले एक बात आप जान लो कि मैं खुद कॉफी यूज करता हूँ कभी कभी, और मैं प्री वर्कआउट भी यूज करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, ना ही ये बोला है कि सिर्फ कॉफी इज द बेस्ट प्री वर्कआउट. आई डोंट नो व्हाई ऑन यूट्यूब लोगों को खुश करने के लिए झूठ क्यों बोलते हैं. मतलब या तो उनको शायद पता नहीं है, या वो दे डू दैट टू इम्प्रेस पीपल. के फॉर एग्जाम्पल, ये बात बोल देनी कि कॉफ़ी इज़ द बेस्ट प्री वर्कआउट जी, आपको और कुछ नहीं चाहिए, इससे क्या होगा कि जो लोग प्री वर्कआउट कभी नहीं पीते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री वर्कआउट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं ठीक है भाई, अरे अब बस उन्होंने बोल दिया, गुरुजी ने हमारे बोल दिया कि प्री वर्कआउट की तो ज़रूरत है नहीं, तो ठीक है कॉफ़ी बेस्ट है. और जो भी लोग प्री वर्कआउट्स पी रहे हैं वो वेस्ट है, वो तो वेस्ट कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ हैं. जो मैंने बात की कि कॉफ़ी बेस्ट क्यों नहीं है, 3 से 5 मिलीग्राम के हिसाब से अगर आपको परफॉर्मेंस बेनिफिट्स लेने हैं, तो एक नेस कैफे की जो वो लोग बात करते हैं, 2 रुपीज़ की कॉफ़ी पी लो, एक सैशे पी लो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 मिलीग्राम कैफीन होती है, ठीक है? और वो भी कहीं फिक्स नहीं है, मेंशन नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैसे प्रोसेस हुई है वो. इसीलिए वो जो नेस्कैफे के आपके सैशे होते हैं उसमें कैफीन मेंशन नहीं होती कि इसमें कितनी कैफीन है. तो वो आपको 3 पैकेट्स पीने होंगे अगर आपको सेम बेनिफिट्स लेना है जो प्री वर्कआउट देता है. जनरली प्री वर्कआउट्स में 200 mg कैफीन होती है, वो ज़्यादा हाई रेंज वाला है, वो ज़्यादा एक्सेसिव वाला है, उसमें 300-300+ जा सकती है. लेकिन मेन बात यही है कि आपको स्टार्टिंग से देखना होगा कि आप कैसे टॉलरेट करते हो उस प्री वर्कआउट को हाफ सर्विंग लेके, जो कि मैंने ऊपर वीडियो में बात बताई हुई है पहले. तो वो बेनिफिट्स लेने के लिए आपको, आप सिर्फ एक कॉफ़ी कप से नहीं ले सकते, दिस इज़ ट्रूथ. कुछ लोग जो होते हैं वो 1.5 से 2 मिलीग्राम ऑफ कैफीन से भी काम चला लेते हैं, कि ठीक है दे फील फ्रेश, दैट इज़ फाइन फॉर देम. अगर आपको आप एनर्जेटिक आपको फील होता है, एक मेंटल बूस्ट मिलता है कि ठीक है मैंने कॉफ़ी पी ली है, अब मुझे मेंटल बूस्ट मिला है, ठीक है दैट इज़ फाइन. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मत पियो कॉफ़ी, पियो आप, ठीक है. मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ कि ऐसा बोल देना कि कॉफ़ी ही बेस्ट प्री वर्कआउट है, तो प्री वर्कआउट बाकी जो लोग पी रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं या अपनी मनी वेस्ट कर रहे हैं. ऐसी वीडियोस बनाना 2 रुपीज़ का प्री वर्कआउट बेस्ट है या 2 रुपीज़ का फैट बर्नर बेस्ट है, एक दूसरे की देखा देखी, बिकॉज उसको ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो भाई मैं भी ये बना देता हूँ कि जब आपका लेवल एक आप हाई लेवल पर पहुँच जाते हो, आपकी वर्कआउट्स की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली देर आर कंपाउंड्स इन गुड प्री वर्कआउट्स दैट कैन हेल्प यू. वो कैसे कंपाउंड है, मैं किन की बात कर रहा हूँ? सबसे पहले, हर एक प्री वर्कआउट का बेस कैफीन ही होता है, यानी कि जो कॉफ़ी में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ कैफीन देता है ये नहीं है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं कैफीन के साथ, यानी कि कॉफ़ी के साथ मिलके काम करते हैं, जैसे कि थियानीन, सिट्रुलिन मैलेट, बीटा एलानिन, टोरिन, DMAE और 2-3 और चीज़ें, बीटेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्योंकि आपको पता है कि ऐसे प्री वर्कआउट्स भी आते हैं जिसमें कैफीन होती ही नहीं है, भी स्टिमुलेंट फ्री प्री वर्कआउट्स आते हैं जिनको स्टिमुलेंट से ब्लड प्रेशर हाई होता है या चक्कर आते हैं कैफीन जैसे स्टिमुलेंट से, उसके बिना भी प्री वर्कआउट आते हैं. तो क्या लोग मनी वेस्ट कर रहे हैं? अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कॉफ़ी पीना छोड़ दो, आप पियो, ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये मत समझो कि कॉफ़ी ही बेस्ट प्री वर्कआउट है और बाकी जो लोग प्री वर्कआउट्स पी रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं या इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. नो, इट इज़ नॉट. आप अगर बिगिनर हैं, आपको 6 महीने तक हुए हैं, साल भी नहीं हुआ है, मतलब तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कॉफ़ी, मतलब दैट विल बी फाइन फॉर यू, ठीक है. ऐसे तो बिना कॉफ़ी के भी लोग वर्कआउट करते हैं, राइट? तो दैट इज़ फाइन. बट जो लोग यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा इंटेंस एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, काफ़ी साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते, तो डेफिनेटली दे कैन यूज़ प्री वर्कआउट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट. वो एक अलग टॉपिक है कि आपको प्री वर्कआउट कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, वो मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, ऊपर आ रही है, आप देख सकते हो. तो एक बात आप ध्यान में रखिए सबसे पहले कि अगर आपको कॉफ़ी के परफॉर्मेंस रिलेटेड बेनिफिट्स चाहिए वर्कआउट से पहले, तो आपको जो रिसर्च प्रूवन है 3-5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट चाहिए होता है, ठीक है. ये कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 80 किलो के इंडिविजुअल हैं, तो आपको 3 से 5 के हिसाब से
240 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम कैफीन, मतलब परफॉर्मेंस बेनिफिट्स के लिए। इसीलिए जो मोस्ट जो कैफीन की आप टेबलेट्स भी आती हैं मार्केट में वो 200 मिलीग्राम्स की होती हैं, अगर आपने कभी देखा हो, मेरे पास भी हैं, तो वो 200 मिलीग्राम की होती हैं। अगर सिर्फ कॉफ़ी ही काम करती होती गाइस तो मैं प्री वर्कआउट क्यों लेता, बिकॉज आई नो देर आर अदर कंपाउंड्स इन प्री वर्कआउट दैट हेल्प। फॉर एग्जाम्पल सिट्रुलिन मैलेट, इट इज़ नोन टू इन्हांस योर परफॉर्मेंस। अगर आप किसी वेट्स के साथ 6 reps लगा रहे हो तो एक बार अगर आप सिट्रुलिन मैलेट यूज़ करना शुरू करोगे ना तो डेफिनेटली सेम वेट के 8 या 9 reps लगा लोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस है, इट्स ए प्रूवन इंग्रेडिएंट। सेकंड आता है बीटा एलानिन, फिर आप ले लीजिए चीज़ एक होती है थियानिन। तो वो क्या करती है, वो जो कैफीन के क्रैशिंग इफेक्ट्स होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आप अगर ज़्यादा कैफीन की टेबलेट ले लेते हो या प्री वर्कआउट लेते हो तो आपको एकदम से पहले एनर्जी हाई जाती है, बाद में आपको क्रैश होता है, आप समझते हो एकदम से डाउन हो जाते हो। कैफीन इज नोन टू कॉज दैट। तो अगर आप थियानिन उसके साथ ऐड करते हो 200 मिलीग्राम तक, जो कि अच्छे प्री वर्कआउट्स में काफ़ी होती है, तो वो क्रैश आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। और मैं एक और कंपाउंड की बात कर रहा था जो होता है DMAE कैपिटल लेटर्स में, वो क्या करता है, फोकस आपका एनहांस करता है। मैंने कुछ दिनों के लिए यूज़ किया था DMAE अपने कैफीन के साथ, नॉर्मल पर्सनल एक्सपीरियंस किया था कि जो मेरा फोकस था जिम में कि मेरे और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि बस ये करना है ये करना है, माइंड वेवर बिल्कुल नहीं कर रहा था। इन चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता है, ये एडवांस सप्लीमेंटेशन में आ जाता है। हाई क्वालिटी प्री वर्कआउट्स की सर्विंग काफ़ी महंगी पड़ जाती है, इवन 100 रुपया 80 रुपये, तो अगर आप हाफ भी लेते हो तो 50-60 रुपये तक सर्विंग पहुंच जाती है। मैं अच्छे प्री बहुत ज़्यादा अच्छे प्री वर्कआउट्स की बात कर रहा हूँ, प्री केज हो गया या जिम का हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर दूंगा आपको जो मैं बात कर रहा हूँ जिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स की, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल तो बहुत आते हैं, तो मैं अगर प्री वर्कआउट नहीं भी यूज़ करता तो मैं ये सभी इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग मैंने रखे हुए हैं। मेरे खुद के पास सिट्रुलिन मैलेट भी है घर पे और बीटा एलानिन भी है, तो मैं अलग से अपना खुद का बना के यूज़ कर लेता हूँ उसको। बस यही था, लोगों को बताना था, गाइड करना था कि अगर आप बिगिनर हैं, 6 महीने नहीं हुए हैं, तो आप डेफिनेटली कॉफ़ी जा सकते हैं, उसके बाद अगर एडवांस हो तो देर इज़ नो प्रॉब्लम हफ्ते में 2-3 बार प्री वर्कआउट लेने में, ठीक है। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज ही करेंगे। अगर आप एक एथलीट हो, एथलीट यानी कि आप ट्रेन करते हो प्रॉपर हैवी लिफ्टिंग, नॉट बाइसेप कर्ल में हैवी लिफ्टिंग, राइट, स्क्वाटिंग, डेड लिफ्टिंग, रोइंग, स्ट्रॉन्ग मैन टाइप कॉम्पिटिशन, दैट्स इट। दमन सिंह साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्री वर्कआउट को लेकर आप नीचे पूछ सकते हैं। बाय बाय।